नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक हिंदी में फिर से एक नया अक्सर। बहुत से दोस्तों का कमेंट आया था कि हमें हिंदी में अक्सर लिखना बताइए, इसलिए दोस्तों मैं आज फिर से आपके लिए नया अक्सर लेकर आया हूँ। मैं है हेल, जो है हेल हमारा वो किस प्रकार से मंडेगा आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊँगा। वो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों आपको एक बात बता देता हूँ मैं कि जब भी आप वीडियो देखें तो अंत तक देखें ताकि आपको एक एक रस्सी के बारे में पता चले। और इससे पहले मैंने ऐसे लेकर आपको सह तक सभी अक्सर बनाकर बता दिए हैं, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। किसी दोस्त ने पूछा था यादव कैसे मरता है, तो उसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों कि सभी अक्सर मैंने लिख कर बता दिए हैं। तो आपको कुछ वीडियो के लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कुछ आपको आई बटन में भी और कुछ वीडियो के अंत में, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार से हमारा है हेल मंडेगा। तो आज कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। तो शुरू में दोस्तों आपको बता देता हूँ, वही मैं हर एक रस्सी से करता हूँ कि तीन दबाई तीन उठाई, तीन दबाई तीन उठाई, वैसे मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। फिर तीन दबाई तीन उठाई, तीन दबाई तीन उठाई, फिर एक रस्सी यहाँ पे उठाई मैंने, फिर तीन दबाई तीन उठाई, तीन दबाई तीन उठाई। अब दोस्तों मैं एक बात देखो, ये ब्लॉक आप देख रहे हैं, ये ब्लॉक देख पा रहे हैं, इस ब्लॉक से आगे तो आप तीन दबाते तीन उठाती रही और पीछे भी तीन दबाते तीन उठाती रही। यहाँ सिक्वेंस कैसे बनेगा शुरू में वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये ताना बिल्ली वाली रस्सी का कैसे ताना है, ये स्टार्टिंग कैसे करते हैं, ये सभी के बारे में मैंने वीडियो बनाकर बता दिए हैं। तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं कि चार पाई स्टार्टिंग से बनाना, चार पाई शुरू से बनाना, ताना चार पाई में ताना खींचना, इस प्रकार से मैंने वीडियो बनाकर डाले हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। कई दोस्त पूछे कितनी किलो रस्सी लगती है, तो 5-6 किलो रस्सी लगती है एक चार पाई भरने में। और ये ताना कैसे तानते हैं वो भी मैंने बताया आपको। तो आप 5-6 किलो रस्सी ले आए, वो आपको भर जाएगी चार पाई। जितने इस ताना में जितनी आपकी चारपाई में जगह है उतना ताना तान दीजिए, आपको रस्सी डाल दीजिए और फिर इस हिसाब से भी जितनी आपको जगह है इस हिसाब से बनते जाइए आप, तो आप आसानी से बन सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने पहले तीन उठाई, फिर दो उठाई है, फिर पूरी चारपाई में यहाँ तीन दबाई तीन उठाई, तीन दबाई तीन उठाई, तीन दबाई तीन उठाई, उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक उठाई है, फिर तीन दबाई तीन उठाई, तीन दबाई तीन उठाई, तीन दबाई तीन उठाई, तीन दबाई, फिर यहाँ मैंने 5 रस्सी उठाई है, फिर तीन दबाई तीन उठाई, तीन दबाई तीन उठाई, फिर यहाँ पे देखो ये तीसरी रस्सी का उल्टा हो जाएगा दोस्तों, ये सीक्वेंस हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ मैंने तीन उठाई थी तो यहाँ मैं तीन रस्सी दबाऊंगा, फिर यहाँ तीन उठाई तीन दबाई, तीन उठाई तीन दबाई, तीन उठाई तीन दबाई, तीन उठाई और एक रस्सी दबाई। अब यहाँ मैंने एक रस्सी उठाई तो यहाँ एक रस्सी दबा दी मैंने, फिर तीन उठाई तीन दबाई, तीन उठाई तीन दबाई, फिर यहाँ पे देखो दो रस्सी दबाई, यहाँ मैंने दो रस्सी उठाई थी तो यहाँ दो रस्सी दबाई है, तो ये सीक्वेंस चलेगा इसमें ठेर तक। फिर तीन उठाई तीन दबाई, 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 फिर यहाँ पे दोस्तों एक रस्सी मैंने दबाई है, फिर तीन उठाई तीन दबाई, तीन उठाई तीन दबाई, तीन उठाई तीन दबाई, तीन उठाई और यहाँ मैंने 5 रस्सी दबाई है, फिर तीन उठाई तीन दबाई, तीन उठाई तीन दबाई। तो इस प्रकार से आपको तीन तीन रस्सी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जोड़ासी हैं मेरी रस्सी हैं, ये तीन रस्सियाँ हैं दोस्तों, ये देखिए आप, ये जोड़ासी रस्सियाँ हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जोड़ासी हैं मेरी, इसको मैं तीन रस्सी बोलता हूँ और दो रस्सी और ले लेता हूँ तो 5 रस्सी हो जाती हैं। यदि सिंगल ये रस्सी बोलता हूँ, एक दबाना है या एक उठाना है, तो आप एक जोड़ासी रस्सी लेनी है आपको, इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये सभी चीज़ों का छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है ताकि आप आसानी से भर सके चारपाई। बहुत से दोस्त बोलते हैं कि हमें शुरू नहीं करनी आती है, तो शुरू कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया है कि ताना कैसे खींचते हैं, वो भी मैंने बहुत सी वीडियो बनाकर डाल दी आपके लिए। अब इससे आगे कैसे बनानी है, चलो है हल कैसे मंडेगा, वो सभी चीज़ मैं आपको एक एक रस्सी के बारे में बताऊंगा आज। अब उससे आगे फिर मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे देखो तीन रस्सी मैंने उठाई है, फिर तीन दबाई तीन उठाई, तीन दबाई तीन उठाई, तीन दबाई तीन उठाई, तीन दबाई एक रस्सी उठाई यहाँ पे मैंने, फिर तीन दबाई तीन उठाई, तीन दबाई तीन उठाई, तीन दबाई तीन उठाई। देखो इस ब्लॉक से आगे तो आपको तीन दबानी है तीन उठानी है। अब तीन रस्सी किसे बोलते हैं वो तो आपको बता दिया मैं
एक रस्सी किसे बोलते हैं, पांच रस्सी किसके बोलता हूँ, वो सभी चीज़ मैंने बता दिया दोस्तों आपको, बहुत ही आसानी से वो देख सकते हैं। फिर यहाँ पे दो रस्सी उठाई मैंने, ये सीक्वेंस उल्टा चलेगा हर तीसरी रस्सी का। देखो यहाँ तीन दबाई, फिर दो, फिर एक, अब यहाँ तीन उठाई, फिर दो उठाई, फिर एक उठाई, ये सीक्वेंस चलेगा दोस्तों। दो उठाकर फिर पूरी चारपाई में तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, मतलब तीन तीन रस्सी आपको दबानी है, तीन तीन रस्सी ही उठानी है, और तीन रस्सी भी वो आपको जोड़ा से दबानी, इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। जैसे ये है देखो, ये तीन रस्सी हमारी, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक रस्सी उठानी है, फिर तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, और पांच रस्सी उठानी है आपको, फिर तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई। तो इस प्रकार से आपको स्टार्टिंग करनी है। फिर से मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ मैंने एक उठाई, फिर तीन, फिर पाँच रस्सी उठाई, फिर यहाँ मैंने एक दबाई, फिर तीन दबाई, फिर पाँच रस्सी दबाई, फिर यहाँ एक उठाई, फिर तीन उठाई, फिर पाँच रस्सी उठाई है। और ये ब्लॉक देख पा रहे हैं आपको, इसके पीछे यहाँ पे और इसके आगे यहाँ पे तीन रस्सी दबानी, तीन रस्सी उठानी। और स्टार्टिंग कैसे करते हैं वो आपको सीक्वेंस मैंने बता दिया है कि पहले तीन उठाई, फिर दो उठाई, फिर एक, फिर तीन दबाएंगे, फिर दो दबाएंगे, फिर एक दबाएंगे, फिर तीन उठाई, दो उठाई, एक उठाइए। इस प्रकार से मैंने स्टार्टिंग किया है। अब आगे आगे की चारपाई किस प्रकार से बनी जाएगी, कैसे है हल हमारा मंदेगा, वो सभी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, थोड़ा अभी मैंने चेंज कर दिया है। वो चेंज क्या किया दोस्तों, कि यहाँ पे हिसाब से अगर मैं करता तो यहाँ पे मेरी तीन रस्सी दबनी चाहिए थी, लेकिन अब ये लहर मैंने मोड़ दी, इसलिए मैंने दो रस्सी उठाई यहाँ पे। फिर तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, फिर यहाँ एक दबाई है मैंने, फिर ये मैंने पाँच रस्सी उठाई है और पाँच ही रस्सी दबाई है, फिर तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे तीन रस्सी उठाई। अब हमारा सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो जाएगा, आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा हल्का सा चेंज होगा, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, सीक्वेंस वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज हो गया जाएगा यहाँ पे। अभी ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, इस प्रकार से जा रहा था, लहर हमारी मुड़ जाएंगी, बस इतना फर्क होगा दोस्तों। फिर यहाँ तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, फिर ये मैंने सात रस्सी उठाई है दोस्तों। सात रस्सी भी आपको ये जोड़ा से उठानी, इस बात का ध्यान रखना है। देखो आप ये देख लीजिए, इसको जोड़ा से उठाना है। उसके बाद तीन दबाई और एक रस्सी उठानी, ये भी जोड़ा से उठानी है आपको। फिर तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई है। अब ये हमारा है हल बनना शुरू होगा। देखो ये बन गया एक तरफ का, आगे का ये कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये ब्लॉक भी हमारा मुड़ना शुरू हो गया है, और ये भी दोस्तों दो प्रकार से बनता है। यदि आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं दूसरी प्रकार का बता दूंगा किस प्रकार से बनता है, फिलहाल मैं आपको एक प्रकार का बताऊंगा। हाँ तो दोस्तों आगे फिर मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे वही सीक्वेंस हमारा शुरू हो गया। अब पहले मैंने एक दबाई, फिर यहाँ पे पहले हमारी तीन या एक दबरी थी, तीन उठ रही थी या तीन दबरी थी, अब यहाँ पे हमारी एक दबी है। फिर तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई। फिर दोस्तों यहाँ पे मैंने पाँच रस्सी उठाई है, फिर तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई। फिर यहाँ पे मैंने दो रस्सी दबाई है, फिर तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई। फिर यहाँ पे मैंने पांच रस्सी उठाई है, फिर तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई। फिर यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे तीन रस्सी दबाई है, फिर तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, और एक रस्सी दबा दी यहाँ पे। फिर यहाँ मैंने पांच रस्सी उठाई है और तीन रस्सी दबाई है, फिर पांच रस्सी उठाइए, फिर तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाइए। तो इस प्रकार से ये रस्सियाँ मैंने डाली है। देखो है आपको बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। अब आगे ये कैसे बनेगा वो भी देखो मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से आपको बनाना है। हाँ तो दोस्तों आगे मैंने फिर से यहाँ पे एक रस्सी उठाई है, फिर तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, के बाद में यहाँ सात रस्सी उठाई मैंने, फिर तीन दबाई, तीन उठाई, फिर एक रस्सी दबाई यहाँ पे, फिर ये तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई है। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने दो रस्सी उठाई है, फिर तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, और पांच रस्सी उठाई यहाँ पे मैंने, फिर तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, तीन दबाई, तीन उठाई, फिर यहाँ पे तीन रस्सी दबाई दोस्तों, सॉरी तीन रस्सी उठाई है, पहले एक उठाई, फिर दो उठाई, फिर तीन रस्सी उठाई, और यहाँ से लेके आप यहाँ तक तीन दबाते और तीन उठाते रहिए। ये हर जोड़ा से रस्सी आपको तीन दबानी और तीन उठानी है आपको। जो येलो वाली रस्सी आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये तीन तीन रस्सी दबी हुई है, जितनी भी येलो रस्सियाँ ठेठ से ये स्टार्टिंग हुई है,
या यहाँ भी ये भी हैं, तो इसमें तीन तीन रस्सी दबी हुई है। जो ब्लू वाली रस्सी आप देख पा रहे हैं, ये तीन रस्सी उठी हुई है। यहाँ पे तीन दबाई तीन उठाई, तीन दबाई तीन उठाई, तीन दबाई तीन उठाई, तीन दबाई तीन, मतलब यहाँ से तीन उठाकर तीन दबाई पूरी चार बाई यहाँ तक लेनी आपको। अब ये भी हमारा ब्लॉक देखो, ये पहले से मुड़ गया था, ये भी ब्लॉक मुड़ना शुरू हो गया है। अब आगे ये है किस प्रकार से बनेगा, देखो ये तो हमारा बन गया है। अब आगे कैसे मैच होगा, किस प्रकार से ब्लॉक में बंद होगा, वो भी आप देखिए। तो फिर दोस्तों वही मैंने एक रस्सी दबाई यहाँ पे, फिर तीन उठाई तीन दबाई, 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 फिर यहाँ एक रस्सी उठाई मैंने, फिर तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई, उसके बाद फिर मैंने दो रस्सी दबाई यहाँ पे, फिर तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई, तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई, और पांच रस्सी दबाई यहाँ पे, फिर तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीन रस्सी दबाई है, और यहाँ तीन दबाकर आपको यहाँ से लेकर लास्ट तक आपको तीन दबानी तीन उठानी है। तो पूरी में ही तीन दबाते तीन उठाते रहिए, और कोई इंटरफेयर नहीं करना आपको, सिर्फ तीन दबानी तीन उठानी है। देखो है हल आपको बनता भाई, बन रहा है इस प्रकार से नज़र आ रहा होगा। अगर ये दूसरी डिज़ाइन का पूछना है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं आपको दूसरी डिज़ाइन का भी बता दूंगा किस प्रकार से दूसरी डिज़ाइन से भी आप बना सकते हैं। तो दो डिज़ाइन से आप बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको एक सिंपल ये डिज़ाइन दिखाई है, दूसरा थोड़ा अलग डिज़ाइन है। अब ये ब्लॉक में कैसे बंद होगा वही मैं आपको बताऊँगा। फिर दोस्तों वही मैंने काम किया है कि यहाँ पे एक उठाई, फिर इसमें वही सीक्वेंस चलेगा, एक बस इस तरफ अलग सीक्वेंस था, इस तरफ ये सीक्वेंस चलेगा कि एक दबाएंगे फिर हम सॉरी एक उठाई है, किसी में एक दबाएंगे फिर तीन दबाएंगे, दो दबाएंगे फिर तीन, फिर एक उठेगी दो उठेगी तीन उठेगी, ये सीक्वेंस चलेगा इसमें इस तरफ, ये लहर आपकी मुड़ेगी। तब एक उठाकर हमने तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई, फिर एक रस्सी दबाई है, सॉरी एक रस्सी दबाई है, फिर तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई है, फिर उसके बाद दो रस्सी उठाई आपको, दो रस्सी उठाकर फिर तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई, यहाँ पे मैंने पांच रस्सी उठाई है, फिर तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई है, उसके बाद यहाँ पे तीन रस्सी उठाई है, और यहाँ से लेकर अंत तक आप तीन दबाते और तीन उठाते रहिए, कोई भी इंटरफेयर नहीं करना आपकी बार आपको, सिर्फ एक बार यहाँ पे तीन रस्सी उठा दी, फिर तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई। जो येलो वाली रस्सी आप देख पा रहे हैं, ये रस्सी हमारी तीन तीन रस्सी दबी हुई है, और यहाँ पे ब्लू वाली रस्सी देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, इसमें इंटरफेयर है दोस्तों, यहाँ पे ये है हमारा मटर, इसमें इंटरफेयर है, बाकी में ये रस्सी तीन तीन दबी हुई है। अब आपको एक बात बता देता हूँ मैं कि यहाँ आपको यदि आपके पास आगे अक्सर है तो एक रस्सी नहीं दबानी, आपको तीन रस्सी दबानी दोस्तों, इस बात का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। लेकिन मेरे पास आगे अक्सर नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे एक दबा दी, इसको बंद कर दिया है। लेकिन आपके पास आगे अक्सर होगा तो यहाँ पे तीन रस्सी दबा दीजिए, और ये लाइन हमारी ऊपर की है, ये आगे चल पड़ेगी। तो इस प्रकार का बात का आपको ध्यान रखना है। अब ये ब्लॉक में कैसे बंद होगा चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आगे दोस्तों देखिए, अब मैंने एक रस्सी यहाँ पे दबाई है, फिर तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई, फिर यहाँ पे एक रस्सी मैंने उठाई है, फिर तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई, फिर यहाँ पे दो रस्सी मैंने दबाई है, फिर तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई, फिर यहाँ मैंने पांच रस्सी दबाई है, फिर तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई, फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने तीन रस्सी दबाई दोस्तों, फिर तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन, मतलब यहाँ से लेकर आपको तीन दबाने के मतलब यहाँ मैंने एक दबाई दो दबाई तीन दबाई, फिर पूरी में यहाँ पर तीन दबाते हो तीन उठाते रहिए, और कोई भी इंटरफेयर नहीं करना आपको। फिर यहाँ पे एक रस्सी उठाइए, फिर तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई, फिर तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई, फिर यहाँ एक रस्सी मैंने दबाई है, फिर तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई है। इस प्रकार से मैंने तीन उठाकर तीन दबाकर ये रस्सियाँ, क्या आप लहर देख पा रही हैं, लहर हमारी इस प्रकार से बन जाएंगी, लहर पूरी में ये मुड़ जाएंगी और ये लहर भी आपकी चलती रहेंगी। तो इस प्रकार ये है हल आप बना सकते हैं, और इससे पहले मैं बहुत से अक्सर भी बनाए थे मैंने, उसको देखकर आप ये बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपको नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।